रेलवे बैंकिंग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे हैं मैथमेटिक्स के स्पेशल सीरीज में। आइए कुछ प्रश्नों को सिखाते हैं, कैसे उन प्रश्नों को परीक्षा में आप बनाएंगे। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम 4 है, उनका लघुत्तम क्या होगा। हमने सिखाया था यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, महत्तम दिया हुआ है और लघुत्तम निकालना है, तो केवल तीनों पार्ट को आप यदि गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लघुत्तम। कहने का तात्पर्य 3 × 12 और 12 × 4 कितना, 48। आंसर नेक्स्ट। आगे सवाल है, एक कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 5:7 था, यदि लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या 6 अधिक था तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। अनुमान से हम कैसे बनाएंगे, बोला अनुपात 5:7 था, इसका मतलब यहाँ फासला अनुपात का डिफर कितना का 2 का, बोला तुलना में कितना अधिक है 6 अधिक है, मतलब 2 के रेशियो में जो वैल्यू था कितना था 6 था, इसका मतलब 1 का वैल्यू जो है कितना 3। अब क्वेश्चन बोला छात्रों कुल संख्या कक्षा में कुल छात्र मतलब टोटल स्टूडेंट किस रेशियो में था, 5:7, मतलब 5:7 कितना 12, 1 का वैल्यू 3 तो 12 का वैल्यू कितना 3 × 12 मतलब कितना 36। आंसर एक तार को, एक तार है मतलब इसको क्या किया, वृत्ताकार आकार में, इस वृत्त के वर्ग के आकार में जब मोड़ा गया है बराबर का क्षेत्रफल कितना 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला जब इस तार को अर्धवृत्ताकार, इस तार को किस रूप में अर्धवृत्ताकार मतलब वृत्त मतलब पूरा अर्धवृत्त वाला वृत्त है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। क्या क्या घटना था, बोला एक तार था इसको इसमें कन्वर्ट किया, फिर इसको कन्वर्ट किया, बोला इसका जो क्षेत्रफल है उसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। अच्छा क्या क्या कर सकते थे, ई वाला से बनाया था इसका क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का वैल्यू कितना 81, भुजा का वैल्यू कितना 9। अब जितना तार से ई भी बनाया इसका डिफरेंस में क्या होगा, इसका जो परिमाप होगा, इसका परिमाप दोनों का क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए इसका जितना बॉर्डर ई जितना तार जाएगा इसको घुमा के जिस शेप में बनाए, इस शेप में बनाए, इस शेप में बनाए, दोनों का परिमाप क्या होगा बराबर होगा। तो ई वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप 4 होगा कितना, भुजा, भुजा का मान कितना 9। और अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होता है π r + 2 r, इसमें जो होगा 9 × 36, पाई का मान कितना 22/7, ये दोनों में r साथ r दोनों में क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन ले क्या बचा पाई का, था पाई मतलब 22/7 + कितना 2, तो 36 × r ये लघुत्तम हो गया मेरा 7, 22/7 तो कितना चल गया 22/36, 22/7 कितना 36, ये कैंसिल हो गया, r का मान कितना 7। जब हम त्रिज्या निकालेंगे बोला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना π² / 2, तो 22/7 × r का मान 7 × 7 कैंसिल हो गया, यहाँ बटे कितना 2, 11 से कट गया कितना 77, मेरा जिस ऑप्शन में है वही क्या हो गया आंसर। सिक्का से 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा क्या बोला, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा वाला सिक्का टोटल रुपया कितना 93 रुपया 75 पैसा। अब क्या घटना था, प्रत्येक प्रकार के सिक्का का मतलब 3:4, 4:5 है। अच्छा 1 रुपया वाला 3 रुपया कितना 3 रुपया, 50 पैसा वाला 4 रुपया कितना 2 रुपया, और 25 पैसा वाला 5 रुपया कितना 1 रुपया 25 पैसा। इस घटना से टोटल पैसा कितना था 3, 2, 5, 5, 1, 6, इसका मतलब 6 रुपया 25 पैसा का वैल्यू कितना 93 रुपया कितना 75 रुपया, एक का वैल्यू कितना 9375 बाय कितना 625, दशमलव दोनों का कैंसिल हो गया और कटाते हैं हमारे 25 से, या 5 से कटा 5 से कितना 125, ये कितना 18 × 5 = 90, 5 × 3 = 3% सही, 5 से कितना 35, 5 कितना 25, 5 से कटाते हैं ये 5 से, 5 × 3 = 15, 37, 5 × 7 = 35, 2 और कटेगा 25 से डायरेक्ट कर जाता है कितना, और 25 × 25 = 12% कितना 15, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 15, जब 1 का वैल्यू 15 है मतलब प्रत्येक प्रकार का सिक्का 1 का वैल्यू 15 है, यहां बोला था 3 के रेशियो में 15 दिया कितना 45, 15 दिया कितना 60, 15 दिया कितना 75। आंसर आगे चलो, आगे सवाल है, एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किसी विशेष दिन किया जाता है, कोई एग्जाम का आयोजन किया जाता है, परीक्षा की निगरानी के लिए परीक्षक 2:30 से 30 मिनट पहले परीक्षा कक्ष पहुंचता है, इसका मतलब क्या होगा 2:30 से 30 मिनट पहले पहुंचता है, इसका मतलब कितना बजे पहुंच गया 2 बजे पहुंच गया। अब क्या बोला, उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आया, विद्यार्थी जो है 2 बजे से चार और टाइम दे दिया क्योंकि 40 मिनट पहले, तो टाइम कितना होगा 2 बजे कितना 40 मिनट, तब ना बोला 40 मिनट पहले, उसके बाद क्या बोला परीक्षा के लिए फिर भी 20 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब 2:40 में यदि आएगा बोला 20 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब जब 2:40 में वो आता 20 मिनट लेट हो जाता है, इसका मतलब वो परीक्षा कब शुरू हो गया 2 बजे
20 मिनट में। जिस ऑप्शन में है वही क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलिए, आगे सवाल आया, क्वेश्चन ऐसे टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के 6 पाइप की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है एक टंकी था, इसमें यदि 6 पाइप को हम डाल देते तो बोला एक टंकी है इसमें 6 पाइप फटाफट लगा देते हैं तो बोला कि 1 घंटा और कितना मिनट में 20 मिनट में भर देता। बोला ऐसा करता एक पाइप को हटा देते पांचवे का पाइप रहेगा तो बोला कि कितना टाइम में भरेगा। आराम से बताएंगे इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट तक सारा पाइप चला, ये 6 पाइप चला, इसका मतलब टंकी का कैपेसिटी 1 घंटा 20 मिनट का मतलब टोटल मिनट कितना 1 घंटा मतलब 60-20 मिनट, इसका मतलब टोटल कितना एक पाइप कितना मिनट ले रहा था 80 मिनट। ऐसा 6 पाइप ले लेते तब टंकी भरा था, इसका मतलब टंकी का कैपेसिटी इसका मतलब कितना है 80 × 6। अब बोला कि 5 पाइप डालते हैं तो 5 सेकंड करेंगे भाग दे देंगे कि कैंसिल हो गया 16 × 16 कितना 96 मिनट। 96 मिनट का मतलब इसको यदि घंटा में कन्वर्ट करना 7 से भाग देंगे 1 बार आ गया, इसका मतलब 1 घंटा कितना 36 मिनट आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है यदि एम का 10% एम के 20% के बराबर है, कहने का मतलब कि दोनों जो वैल्यू था दोनों क्या था बराबर था, परसेंटेज परसेंटेज दोनों कैंसिल 10 कितना 20। अब हमको बोला एम अनुपात एन का मान बताइए, एम अनुपात एन का मान एन को इधर बदलेंगे एम बटे एन बराबर के इधर 2 पहले से 1 इधर, इसका मतलब 2 अनुपात कितना 1 आंसर। नेक्स्ट, एक फूल का मूल्य 120 रुपया है, एक दुकानदार इसे 10% की हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। जब दाम में 120 रुपया 10% हानि पे बेचा है 90% तो दाम लिया कैंसिल कैंसिल 12 × 9 कितना 108 आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या में 1/3 − 1/4 जोड़ा जाता है, जो जो क्वेश्चन बोलेगा वही हम करेंगे। एक संख्या यदि x लेते हैं बोला 1/3 − 1/4 इसका क्या किया जाता है जोड़ा जाता है, बोला किस प्रकार प्राप्त मान, इस प्रकार प्राप्त मान, बोला 1/4 का 1/3 घटाया जाता है, क्या बोला इसमें 1/4 में जो प्राप्त मान में से 1/4 का मतलब गुना 1/4 का मतलब गुना 1/3 घटाया जाता है, इसमें इसको क्या करता है घटाया जाता है, तो बोला 1/3 जो 1/4 क्या करता है शेष बचता है, बोला संख्या निकालिए तो आराम से हम निकालेंगे क्या क्या एक्स प्लस इसका लघुत्तम लिए कितना 3 × 12 4 × 3 घट के कितना 1 माइनस 1/4 लिए कितना 12 बराबर इसका लघुत्तम लिए कितना 12 यहाँ 4 यहाँ 3 4 3 कितना 7 इधर कैंसिल हो गया इसका मतलब एक्स कितना 7/12 कर दी ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, 4 घंटियां 8 बजे एक साथ बजना स्टार्ट होती है तथा प्रत्येक 5, 6 और 7 और 8 सेकंड के अंतराल पर पहुंचती है, 7 घंटे में वो कितनी बार बजेगी। इस ढंग के प्रश्न हमने बताया था लघुत्तम लेना है, प्रश्न कितना कितना में 5, 6, 7, 8 इसका लघुत्तम लेना 2, 5, 3, 7, 4 और कहा गया नहीं कहा गया 2×10 = 30, 30×6 कितना 120, 120 × 7 कितना 840। इसका मतलब है 840 सेकंड में सारा घंटे क्या होता है बजता है, बजने का मतलब जैसे घड़ी है एक 3 सेकंड में बजता है 3 सेकंड में घंटे बज जाता है, एक 4 सेकंड में बजता है 5 सेकंड में, इसी घंटे क्वेश्चन दिया हुआ था। अब बोला 7 घंटा का पाले में कितना, अच्छा 7 घंटा में कितना सेकंड 7 × 1 घंटा में 60 सेकंड और 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, 7 घंटा था 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इतना टाइमिंग में बोला कितना बार बजेगा, अच्छा कितना बार 840 सेकंड में 30 घंटे एक बार बजता है, इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और ये ढंग के प्रश्न में एक बार सब स्टार्ट से वहां से शुरू हुआ था, इसलिए क्या करते हैं जोड़ते हैं, जो कैंसिल करो उसको कैंसिल करते हैं, 7 सेकंड का कितना बार में बढ़ सकते 84 × 2 बार में कितना बार में 30, इसका मतलब 30 और ये कितना बार बजेगा 31 बार आंसर। कैसे इसके साथ यदि कनेक्टेड रहता है तो हम क्या करते हैं, इसके साथ यदि 1/3 / 2/4 / 6 यदि रहता तो एक वैल्यू सीधा 3, 4, 6 लेते, यदि इसके साथ अटैच रहे तो हम क्या करते हैं इसका लघुत्तम लेते हैं 3, 4, 4 या 12% कितना 72, नहीं तो ये भी कर सकते 4, 3, 4, 6 का लघुत्तम कितना 12, तो 12 पूर्ति करने के लिए इसको कितना चाहिए 4, इसको कितना चाहिए 3, इसको कितना चाहिए 2। अब बोलिएगा कि नहीं सीखे इसके लिए आप और चीज कर सकते हैं क्या,
3a बराबर 4b बराबर कितना, 6c बराबर कितना मानते हैं, k मानते हैं या x मानते हैं, a का मान कितना k बटा 3, b का मान कितना k बटा 4, c का मान कितना k बटा कितना 6। अब a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं, इसका मतलब k बटा 3, k बटा 4 और k बटा कितना 6। इस सबको यदि हम 12 से गुणा कर देते तो क्या मिलता है, 2 कितना 3 कितना 4, सब में कहते हैं जितना 4 अनुपात 3 अनुपात 2, जितना देर में आप इतना टाइम वेस्ट किए, क्या हम सेकंडों में बनाए तो क्या काम के, इस सबका लघुत्तम लिए केवल हमको पूर्ति करना है। 12 लघुत्तम तो 3 चौके 12, 4 के 12, 14 के 12 सेकंडों में कमा लोगे। अब इस पर चलते हैं, ए बी सी तीनों पार्ट यदि जोड़ते हैं ये होना चाहिए, इसको यदि हम जोड़ते हैं क्या होता है 4, 3, 7, 7, 2, 9, ये रिजल्ट नहीं रही अनुपात के फॉर्मेट में था, इसका मतलब 9 का जो है कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि हाँ इतने हो गया, मतलब 9 के अनुपात में यदि होता इसका वैल्यू, इसका मतलब ए के रेंज में कितना वैल्यू 3 अनुपात कितना 29। अब बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी रेंज में हम मान निकालते हैं एक का वैल्यू ये एक्स्ट्रा था उसके साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो तीनों का बोला स्क्वायर, तो तीनों का स्क्वायर कितना 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 था 4, 3 और 2, इसका स्क्वायर कितना तो 4, 16 हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, 16, 9, 25, 25 सर कितना 29, 29 का कौन सी वर्गमूल बराबर क्या कीजिए, इसका यदि यहाँ रूट का फॉर्मेट में था 29 हो गया कितना हो गया 29। अब बोला 29 यदि हो गया यहाँ रूट था, अब बोला इसका क्या कीजिए एक्स्ट्रा में वर्ग का वैल्यू 3√29 और इसके साथ यदि एक्स्ट्रा अटैच हो जाएगा इसका वैल्यू कितना 29 × 29 √29 दिया कितना 87। आंसर है मेरा किसी ऑप्शन में 87 कर दिए। अब विद्यार्थी बोलेगा कि क्या किए नहीं समझे, इसमें क्या क्या होगा क्वेश्चन, यहाँ क्या था यहाँ रूट हुआ, क्वेश्चन में डिस्प्रिंट कर लिया, यहाँ क्या हो गया रूट हो गया, एक बार फिर से इसको अपडेट करता है क्या क्या हुआ, बोला कि क्वेश्चन दिया हुआ था पहला का मान के ए अनुपात बी अनुपात किसका मान निकाले सी का मान निकाले, 4 अनुपात 3 अनुपात क्या निकला 2 निकला। हम इन तीनों को जोड़ यदि दिया था, यदि तीनों का हम जोड़ते हैं 4, 3, 7, 7, 2 कितना 9, 9 का वैल्यू कितना 27√29, ये कैंसिल किए तो 1 का वैल्यू कितना 3√29, इसका मतलब 1 का वैल्यू मतलब एक्स्ट्रा जितना जो रिजल्ट निकला होगा उसके साथ इसको क्या करेंगे अटैच करेंगे। अब हमको बोला था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट निकालना, हम इसका रूट निकाले तो वैल्यू मेरा कितना निकला √29 और ए का वैल्यू उतना था इसके साथ एक्स्ट्रा बोले थे अटैच करने से 29 दिया कितना 87। आंसर 5/6 चलते हुए अमिताभ बस अड्डे पर पहुंचने में लगने में समान समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है, इसका मतलब 5/6 है, इसका मतलब 5:6 का मतलब ये 5/6 का मतलब 5 रेशियो 6 रेशियो डिफर है, बोला कितना का टाइम का डिफर है, तो बोला 2 मिनट का डिफर है, कितना मिनट का डिफर है 2 मिनट का डिफर है, आराम से बताइए बोला पहुंचने में सही समय कि 5 के रेशियो में था मतलब 5 दूनी कितना मिनट 10 मिनट। आंसर यही होता है लेट कैसे पहुंचेगा तो 6 × 2 कितना मिनट 12 मिनट। आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है किसी देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्ष में 150 लाख से कम होकर 100 हो गई तो प्रतिशत कमी कीजिए, जब 150 लाख था तो कमी कितना हो गया, कमी हो गया 50 लाख, कमी गुना 100 बटे शुरू में कितना 150 लाख, ये 3 बार में कैसे 100/3। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर की दूरी 9 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है, क्या बोला, बोला 1 सेंटीमीटर की दूरी कितना किलोमीटर के बराबर 9 किलोमीटर के बराबर, अब बोला 2 सेंटीमीटर, जब 1 सेंटीमीटर 9 किलोमीटर तो 2 सेंटीमीटर कितना 18 सेंटीमीटर। आंसर आगे चलो, आगे सवाल है समान ऊंचाई वाले एक बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतन समान है, दोनों का आधार का क्या निकलिए त्रिज्या निकलिए, समान ऊंचाई क्या क्या बोला, समान ऊंचाई क्या बोला, बेलन और शंकु का आयतन बराबर है, इसके लिए आपको जाना होगा बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर कितना h, तो r की जगह में r1 ले लिए, इसीलिए इसका त्रिज्या r का ऊंचाई दोनों का क्या था सेम था, शुरू में लिख दिया था क्या ऊंचाई सेम, आगे वाला शंकु की ऊंचाई के बराबर, शंकु का ऊंचाई कौन सी पाई आर स्क्वायर और कौन सी h, इसका दूसरे बात का था दूसरा का त्रिज्या r2 ले लिया, हाइट वाला सेम है, अब जो कटेगा उसको कटाते हैं पाई पाई कैंसिल h h कैंसिल, इसका मतलब r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर का मान कितना हो गया, यहां कितना बचा 1/3, तो r1 बटे r2 का मान कितना 1/3 का रूट, इसका मतलब 1/√3 हर किसी ऑप्शन में, अब विद्यार्थी बोलेगा किसी ऑप्शन में नहीं है क्वेश्चन छोड़ के आ जाए, यदि दोनों का √3 से गुणा हम कर दें तो यहां क्या मिलेगा √3, यहां कितना मिलेगा √3 कितना, क्या किसी ऑप्शन में है √3/√3, यहां पास विद्यार्थी बना के भी क्या करके आएगा छोड़ के आ जाएगा। आगे चलो, आगे सवाल है एक पाई चार्ट है बोला दर्शाया गया पाई चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का क्या कीजिए मान निकालिए, आंसर बताना है किसका मान निकालना है, बोला डी का व्यय का लगभग कितना है, तो डी का व्यय कितना था
95 डिग्री टोटल एंगल को जोड़ दिए कितना हो गया 360 डिग्री। हमको बोला डी का क्या निकालिए, एंगल निकालिए डी का वो कितना प्रतिशत था, तो डी था कितना 95 बटे टोटल कितना डिग्री 360, और परसेंटेज निकालने के लिए कितना गुना 100 से गुना, इसको सॉल्व करेंगे जो भी होगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिकोणमिति से रिलेटेड, मतलब टेन कह रहा है पाई बटे 12 का मान क्या होगा, क्या क्या हम कर सकते थे, टेन इसको लिख सकते थे पाई प्लस कितना पाई बटे 12, वो कैसे 12 12 का लोग 12 12 एक कितना पाई 13 पाई, इससे बेनिफिट क्या मिला, इससे बेनिफिट मिला अपना जानते हैं टेन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, इसका मतलब कितना टेन पाई बटे कितना 12 डिग्री, इसका मतलब पाई का मान 180 डिग्री, 180 बटे 12 इसका मतलब कितना डिग्री 15 डिग्री, और जो विद्यार्थी टेन 15 डिग्री का मान जानेगा वो सीधा लिखेगा, जो नहीं जानेगा वो इसको चेंज करेगा, टेन कितना 45 में 30 डिग्री क्या करेगा घटाएगा। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आता है टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू 25 टेन बी, तो क्या लिखेंगे इसमें टेन 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन कितना डिग्री 30 डिग्री, टेन 45 का मान 1 माइनस टेन 30 डिग्री का 1 बाई रूट 3 बटे 1 प्लस 1 बाई कितना रूट 3, दोनों का परिमेयकरण करना है रूट 3 माइनस 1, यहाँ पर की रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3, रूट 3 कैंसिल हो गया क्या होता है रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1, क्या ऑप्शन में आया नहीं आया, आगे और इसको सॉल्व करना किसका परिमेयकरण कैसे करेंगे रूट 3 माइनस 1 से गुना रूट 3 माइनस 1 से क्या बात, इससे बेनिफिट क्या हुआ इससे ऊपर वाला 2 हो गया मतलब a माइनस b का हो जाएगा, a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस कितना 2 रूट 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बट नीचे क्या हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 में 1 घट के कितना 2, अब क्या फायदा मिला 3 a कितना 4 माइनस 2 रूट 3 बटे कितना 2, दोनों में 2 कॉमन लिया 2 माइनस रूट 3 बटे 2 कैंसिल हो गया बचा क्या 2 माइनस रूट 3, हर किसी ऑप्शन में बी ऑप्शन में है यही क्या हो गया आंसर हो गया। त्रिकोणमिति का सवाल आराम से बनाए तभी बनेगा। आगे चलो, आगे सवाल है एक बैलगाड़ी का पहिया जो है 14 बार 11 मीटर है, बोला पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगातार, अच्छा पहिया का व्यास दिया हुआ था, व्यास का मतलब क्या हो गया डी, डी यदि दिया हुआ था बोला 14 बटे 11 तो त्रिज्या कितना व्यास बटे मतलब 14 बटे 2 गुना कितना 11, इसका मतलब इसका त्रिज्या का मान कितना 7 बटे 11, अब पहिया बोला पहिया यदि एक चक्कर घूम जाए जिसको बोलते हैं परिधि, क्या होता है परिधि, ऐसा करता है एक चक्कर में जाए एक चक्कर में तय किया गया दूरी कितना हो गया 2 पाई मतलब 2 गुना 22 बटे 7 गुना 8 का मान 7 बटे कितना 11, 11 दूनी 22 कितना 4 पंची 4 मीटर, इसका मतलब एक चक्कर यदि चक्कर लगाया तो बैलगाड़ी का पहिया कितना चला था 10 मीटर चला था, अब बोला यह पहिया प्रति मिनट मतलब एक मिनट में 10 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में इतना दूरी तय किया तो 10 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा 40 मिनट 40 मीटर, अब बोला कि जो निकालना है 40 मिनट 40 मीटर जब तय किया ये कितना टाइम में किया ये एक कितना किया 40 मीटर जब तय किया ये कितना में 10 चक्कर में था कितना में 10 चक्कर में ये पूरा तय किया गया दूरी हो गया, अब क्या बोला प्रति मिनट मतलब एक मिनट में तय करता, अब हम निकाल लिए एक मिनट में जो तय किया कितना गया 40 मिनट, अब क्वेश्चन बोला इसका स्पीड निकालना है क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ यदि इसका हम रेशियो निकालते हैं कि यदि मीटर प्रति सेकंड में इसका चार्ज निकालते हैं एक मिनट में 40 कितना 40 मीटर यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में तो 40 एक मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, इसका मतलब इसका स्पीड जो हो गया 40 मीटर 40 बटे 60 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इसको कन्वर्ट करना था वो किलोमीटर प्रति घंटा में, अब हम जानते हैं मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 18 बटे 5 से क्या करता है गुना 8 5 5 40 6 दिया 18 6 गुना 10 60 और कटेगा 4 यहां 5, अब क्या रिजल्ट हो गया 4 दिया कितना 12 12 बटे कितना 5 12 बटे 5 से मतलब कितना 2. कितना 4 है मेरे किसी ऑप्शन में 2.4 आंसर, क्या क्या काम किया हम काम यही किए या मेरा दिया हुआ था फिर दिया निकाल दिए एक चक्कर में तय किया गया दूरी क्या गया परिधि 2 पार निकाल दिए, बोला ऐसा ऐसा 10 चक्कर लगातार एक चक्कर में 4 मीटर तो 10 चक्कर में कितना 40 मीटर, बोला 40 मीटर को तय करने में कितना टाइम लगता है 1 मिनट, इसका मतलब 1 मिनट में कितना 40 मीटर
इसको यदि एक मिनट में 60 सेकंड इसका यदि एक सेकंड में निकाले 40 बटे कितना होता है, इसका स्पीड निकालिया 40 बटे 60, इसको कन्वर्ट हमको ऑप्शन था जिसमें किलोमीटर प्रति घंटा में गुना कर दिया 18 बटे कितना थे 500। नेक्स्ट सवाल अनुपात से रिलेटेड है, बोला 1.5x बराबर 0.04 तो उसका वैल्यू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया गया, क्या क्या काम करेंगे उसको देखो। बोला 1.5x बराबर 0.04 बोलिए y, हम क्या करते हैं xy का मान निकालते हैं, तो x बटे y का मान कैसे निकलेगा 0.04 बटे इधर कितना 1. कितना 5, इसको इधर दे दे इसको इधर, दशमलव को उड़ा यहां 10 की दशमलव उड़ा 1 2 ये कैंसिल और कैंसिल होगा 2 2 4 यहां कितना 5 और कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब x बटे y और 2 बटे कितना 75, इसका मतलब ये कहा जाता है x का वैल्यू 2 लीजिए और y का वैल्यू कितना लीजिए 75 लीजिए। बोला y माइनस x, तो y माइनस x इसमें इसको घटाया कितना 75 में 2 घटा 73, अब बोला y प्लस x दोनों को जोड़िए कितना 77, मेरा जिस ऑप्शन में होगा 73 वह 77 वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है किसी भी दो संपूर्ण वर्गों का महत्तम कम से कम किसके बराबर होना चाहिए। विद्यार्थी क्वेश्चन देखेगा और छोड़ देगा, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाएगा, बोलेगा ये तो आज तक के सिलेबस में हमको मिला ही नहीं, और देखे कितना आसान है क्वेश्चन को हम देखेंगे। बोला दो वो संपूर्ण वर्ग लीजिए, तो दो वो सम संख्या वाला पूर्ण वर्ग वाला पूर्ण उसका वर्ग करना है, दो वो सम संख्या कौन कौन लेंगे 2 और 4, दो अपने मन से लीजिए। बोला इसका वर्ग कर दिए, वर्ग का मतलब क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कितना 16। बोला इसका महत्तम कम से कम कितना होना चाहिए, क्या आपको 4 और 16 का महत्तम नहीं आता, 4 और 16 का महत्तम कितना 4 आंसर था। पहले दिन पुस्तक का 3/8, इसका मतलब पहला दिन 3/8 पढ़ा, जब पहला दिन 3/8 दिन फर्स्ट डे पढ़ लिया तो बचा कितना भाग 5/8 कितना 8, कैसे एक में इसको घटा दिया। बोला दूसरे के शेष बचे वाली ये शेष बचा है इसका 4/5 भाग पड़ता है, इसका 4/5 कितना भाग पड़ता है 5, ई कैंसिल ई 4/8, इसका मतलब दूसरा दिन कितना पड़ा 1/2, उसके बाद बोला शेष जो है 30 पे बच जाता है, पहला दिन 3/8 पड़ा, दूसरा दिन 1/2, दोनों का यदि जोड़ देते हैं कितना भाग पड़ लिया 8 हो गया, यहाँ पे कितना 3 जोड़ लघुत्तर ले लीजिए 7/8 कितना 8 पूरा भाग, मतलब एक पे जब सोचे थे 7/8 पढ़ लिया तो बचा कितना भाग 1/8, मतलब इसका जो वैल्यू है वो कितना पेज है 30 पेज है, मतलब एक पेज मतलब एक का वैल्यू कितना 30/8 कितना 240, मतलब टोटल पेज कितना था 240। इस सीरीज का अंतिम सवाल है, सवाल है एक कोण का माप इसके पूरक कोण से 3 गुना यानी x डिग्री को कोण लेता है, पूरक कोण किसको बोलते हैं 90 में घटाते हैं यही ना, जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण पूछेगा 60 डिग्री, 50 का पूछेगा तो 40 होगा। बोला पूरक कोण का 3 गुना, ये पूरक कोण का कितना है 3 गुना है, तो x बराबर कितना 90 गुना 3 कितना 90 गुना 3 270 माइनस 3 x, इसको इधर भेजे 4x बराबर कितना 270, 2 × 4 135, इसका मतलब x मतलब कितना 135 / 2 मतलब कितना 67.5 डिग्री, एक कोण 67.5 डिग्री, दूसरा कोण कितना 90 में 67.5 घटाएं इसका मतलब कितना 22.5 डिग्री और कितना डिग्री 67.5 डिग्री। इस सीरीज का अंतिम सवाल प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए कराया गया, प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं, मिलेंगे नेक्स्ट रेंज में कुछ और प्रश्न पूछेंगे।